हेलो एंड वेलकम, मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे रमज़ान स्पेशल चना चाट। ये बहुत ही इजी सी डिश है, बहुत सिंपली, बहुत जल्दी बन जाती है। घर में जो चीज़ें मौजूद हो उनसे आप आसानी से बनाएं इसे। तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मैंने एक ग्लास मीन्स 250 ग्राम चने, छोटे वाले बारीक चने लेकर रात में भिगो दिए और धो कर भिगोए ताकि उसका पानी फेंकना ना पड़े। लेकिन पूरा पानी हम भिगोया हुआ यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम उतना ही पानी यूज़ करेंगे जितना पानी ज़रूरत है। तो ये चने फूल गए रात भर, अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, रमज़ान स्पेशल डिशेज़ में मसाले कम डालें तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने दो प्याज़ों को लेकर ऐसा मोटा मोटा काट दिया और उन्हें इसमें डाल दिया। साथ ही इसमें डालेंगे एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार वो भी एक चाय का चम्मच मैंने डाला है, और हल्दी आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना। चनों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें तो अच्छा रहता है। और इसके अंदर मैं ये भिगोए हुए पानी को डाल दिया, मैंने करीब 1.25 ग्लास पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया, क्योंकि ये चने में पानी बहुत ज़्यादा था तो मैंने उसे साइड में निकाल लिया था, क्योंकि उतना सारा पानी नहीं डालना था। तो मैंने 1.25 ग्लास पानी इसमें डाल दिया। प्रेशर कुकर बंद करेंगे और इसे प्रेशर लगाएंगे। मैं चनों को प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, इससे वो बहुत आसानी से बनते हैं और एकदम नरम सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसे 10 से 12 सीटी आने तक पकाऊंगी और उसके बाद इसे अपने आप ठंडा होने दूंगी। ये देखिए, मैंने खोला इसे अपने आप ठंडा होने के बाद, 10 सीटी लगाने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा पानी है। तो मैं इसे अब गैस के ऊपर रख के, खुला ढक्कन रख के इस पानी को सुखाऊंगी। बस इतना सुखाऊंगी कि उसमें मॉइस्चर तो रहे लेकिन वो जले भी नहीं और ये बिल्कुल रूखा ना हो। देखिए, पानी मैंने सुखा दिया और मैंने चने को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी। इसकी गार्निशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और गलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि मतलब चना नरम हो जाना चाहिए। तो मैंने बारीक कटी हुई प्याज इसके ऊपर डाल दी, बारीक कटे हुए टमाटर मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और ये हरी मिर्चें मैंने बारीक कटी हुई डाल दी, हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया। इसके ऊपर से आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। हम नींबू का रस निचोड़ने जा रहे हैं इस पे। खाते टाइम पर इसे मिक्स करें, अगर हो सके तो आप इसके अंदर खाते टाइम पर कैरी और पुदीने की हरी चटनी डालें और इसका मज़ा लें। रमज़ान में ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बिना मेहनत के बनती है। बड़े आराम से आप इस रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें और दुआओं में मुझे याद रखें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।